आर्या और आप सबको जी खुशामदीद, वेलकम ऑन माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब जी खैरियत से होंगे और जी ठीक ठाक होंगे, बड़े मज़े से होंगे, फिट होंगे। और जी समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, भरपूर तरीके से जो है वो गर्मी जो है वो पड़ रही है। और गर्मी जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होता है, स्किन पर समर सीज़न की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ जी समर स्पेशल टोनर। और ये जो टोनर है ना, ये टोनर आपका ना इस समर सीज़न में आपकी सुबह इस टोनर के बगैर अब नहीं होनी। इतना ज़बरदस्त ये टोनर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये टोनर आपकी गर्मियों में जितने भी स्किन पर प्रॉब्लम हैं उन सबको हल करेगा। सबसे पहले तो ये कि गर्म समर सीज़न में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जी किचन का काम करने की वजह से या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग गर्मी की वजह से पोर्स जो होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, ओपन पोर्स का इशू हो जाता है। और उसकी वजह से फिर ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो टोनर है ये आपके पोर्स को भी श्रिंक करेगा, उसके साथ साथ ये आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को भी क्लियर करेगा। और सबसे अच्छी बात कि आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा। पिंपल्स और एक्ने वालों के लिए तो ये टोनर बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये आपके पिंपल्स को भी कंट्रोल करेगा, पिंपल्स को मजीद जो है वो कंट्रोल करेगा होने से और ख़त्म भी करेगा। उसके साथ साथ आपकी टैनिंग को ख़त्म करेगा, आपके कलर को मैं ये तो नहीं कहती बहुत बट हल्का फुल्का ब्राइट भी करेगा, और मजीद ये कि डल भी नहीं होने देगा, आपकी स्किन को टोन अप रखेगा, इवन टोन करेगा। तो ये एक टोनर जो है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस टाइम मेरे हाथ में, ये एक टोनर बहुत से काम करेगा। और टोनर जो होता है ना ये हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जो हैं टोनर से इतना हम लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन अगर मैं कोरियंस की बात करूँ तो वो अपनी स्किन केयर में टोनर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन इतनी क्लियर होती है। और हम लोग टोनर को बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट समझ के ना उसको बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझते और यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से फिर हमारी स्किन में जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो ये कि आप विंटर्स में टोनर यूज़ करें ना करें, बट लेकिन समर सीज़न में टोनर को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये टोनर अगर आप एक टोनर ये बना लेते हैं ना, तो यकीन करें पूरी गर्मियाँ आपकी बड़ी आराम से गुजर जाएंगी, तमाम मसायल जो कि समर सीज़न में स्किन पर नमूदार होते हैं वो सारे के सारे से ख़त्म हो जाएंगे और कंट्रोल रहेंगे। तो चले जी बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इस ज़बरदस्त से टोनर को कैसे बनाना है, यूज़ कैसे करना है, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं, वीडियो देखते भी हैं लेकिन ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो यकीन करें देख के बड़ा दिल खुश होता है आपका, सब्सक्राइब और लाइक देख के। आपके लिए तो शायद इतनी ये इंपॉर्टेंस ना रखता हो, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। और ये कि आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी फर्दर वीडियो से जो है वो आप अपडेट रह सके। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं हम अपने टोनर को। टोनर बनाने के लिए जी सबसे पहले आपको चाहिए जी वाटरमेलन। जी हाँ, ये तरबूज, ये जो लाल लाल तरबूज है जिसका आजकल सीज़न भी है, ये ना सिर्फ खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बल्कि ये हमारी स्किन के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें जी जहाँ पर और बड़े वाइटामिन होते हैं वहाँ पर इसमें हाई क्वान्टिटी में वाइटामिन ए और वाइटामिन सी होता है, जो कि वाइटामिन ए और सी आपको महंगे महंगे सीरम्स में सेपरेट सेपरेट मिलता है, और आप बहुत महंगे महंगे सीरम्स विटामिन ए और सी के लेके ख़रीद के लगाते हैं। यहाँ पे तरबूज में हमें ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, और विटामिन ए और विटामिन सी हमारी स्किन को क्लियर करने के साथ साथ हमारी स्किन को ब्राइट करते हैं, ब्लैक हेड्स एंड ओपन पोर्स से जो है वो क्लियर करते हैं, श्रिंक करते हैं पोर्स को, हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको बढ़ाते हैं, कोलेजन को बूस्ट करते हैं, और हमारी स्किन पे जितने भी पिंपल्स, ब्रेकआउट, पिगमेंटेशन, इस तरह की जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ये ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है जो वाटरमेलन यहाँ पे तकरीबन एक प्याली जो है वो मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पर अब ये जो हमने कट किया था वाटरमेलन एक प्याली के करीब, इसको हम डाल देंगे मिक्सी में और इसका बहुत ही ज़बरदस्त जूस बना लेंगे। ये देखें जी, ये जो जूस रेडी बना है हमारे पीने के लिए नहीं बल्कि हमारी स्किन के लिए रेडी हुआ है टोनर के लिए। तो यहाँ पर जी इसको हम एक स्ट्रेनर के साथ अच्छे से छान लेंगे ताकि बिल्कुल फ़ाइन जूस हमारे पास आ जाए। वाटरमेलन के अंदर जो विटामिन ए है ना, ये एक आप कह लें कि जो विटामिन ए, जैसे कि आपको पता है कि जी एक विटामिन ए रेटिनॉल की फॉर्म है, रेटिनॉल और रेटिनॉल सीरम्स
कितने महंगे महंगे मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको इतने सस्ते में विटामिन ए और विटामिन सी मिल रहा है। विटामिन सी के भी सीरम्स जो हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं, और विटामिन सी आपकी स्किन को कलर को ब्राइट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा वाटरमेलन का, बिल्कुल आप कह लें कि बहुत ही फाइन हमारे पास जूस आ चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको चाहिए जी डिस्प्रीन। अब आप सोच रहे होंगे डिस्प्रीन ये तो हम हेडेक के लिए यूज़ करते हैं, जी डिस्प्रीन बिल्कुल चाहिए, क्योंकि जी डिस्प्रीन जो है इसमें होता है या जी सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड के सीरम्स जो कि आपने अक्सर यूज़ भी किए होंगे, काफ़ी महंगे होते हैं। सैलिसिलिक एसिड बेसिकली आपकी जो स्किन है उसमें से आपके जो स्किन पर पिंपल्स और एक्नी वाली स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए, सॉफ्ट एंड प्लम्प बनाने के लिए। यहाँ पर एक डिस्प्रीन मैंने जो है वो इसमें डाल दी, और इसको अच्छे से हम डिज़ोल्व कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस जूस में। आप जो है बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो कि इसमें डिस्प्रीन ऐड करें, डिस्प्रीन के अंदर जो सैलिसिलिक एसिड है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल दिखाएगा आपकी स्किन पर। अब यहाँ पर जी नेक्स्ट आपको चाहिए जी ये है जी फ़िश ऑयल कैप्सूल्स, और ये फ़िश ऑयल कैप्सूल्स आपको इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। अगर आपको ये ना मिले तो इसकी जगह आप जो है विटामिन ई का एक कैप्सूल जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़िश ऑयल ऑयल का एक कैप्सूल उसमें ऐड कर दिया है। नेक्स्ट आपको चाहिए जी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मेरे हाथ पर, ये है जी मीठा सोडा, जो कि बिल्कुल आप कह लें एक चुटकी के करीब था, बिल्कुल आप कह लें कि मैंने माइनर सी क्वांटिटी इसमें डाली, जो बिल्कुल भी आपकी स्किन को कहीं से भी ज़रा सा भी आप कह लें कि सेंसिटिव स्किन वाली स्किन को भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, क्योंकि ये मीठा सोडा बेसिकली आपकी स्किन से टैनिंग ख़त्म करेगा, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स और से क्लियर करेगा, पिगमेंटेशन तक को ये जो है वो कट कर देता है। तो यहाँ पर जी हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया था, हमारा जो टोनर है वो तैयार हो चुका है, इसको हम किसी भी स्प्रे बॉटल में जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए जी मैंने शिफ्ट कर लिया है, अब ये बिल्कुल जी रेडी है अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है चलिए ये देख लें। हाँ जी, तो इस टोनर को बना के जी आपने रख देना है जी फ्रिज में, सुला देना है इसको जाकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए, ठीक है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने यूज़ करना है, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ठंडा जब आप इसको फ्रिज से निकाल के लगाएंगे ना, यकीन करें आपको इतना सुकून मिलेगा ना आपकी स्किन को, और यकीन करें कि ये टोनर ना बहुत ही ज़बरदस्त है। ये टोनर लगाना आप कैसे, मैं पहले ये बता दूं आपको, ये टोनर आप लगाना बहुत ही आसान है, आप इसको किसी भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन ये कि सबसे आपने जब सुबह उठना है सबसे पहले, तो आपने सुबह जब आप फेस वॉश करते हैं तो सबसे पहले आपने फेस वॉश करके इस टोनर को अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद रात को सोने से पहले आपने फेस वॉश करके इस टोनर को लगाना है, सुबह और रात को तो लाजमी लगाना है, बाकी आप दिन में जितना चाहें मर्जी दफ़ा इस टोनर को अप्लाई कर सकते हैं, जब दिल चाहे आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। स्पेशली जब आप धूप से बाहर से आए ना गर्मी में, तो आपने फ्रिज से निकालना है इस टोनर को, ठंडा ठंडा लाजमी अप्लाई करना ये टोनर। मैं ऐसे नहीं कह रही कि इस समर सीज़न में आपकी सुबह और रात इसके बगैर नहीं होने वाली, क्योंकि ये टोनर आपकी स्किन के पर गर्मियों में जितने भी मसाले आते हैं उनको हल कर देगा। आपकी स्किन पर ओपन पोर्स का इशू है, आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स वाइट हेड पिंपल शिम्पल अगर आपकी स्किन पर है, एक्सेस ऑयल अगर स्किन पर आ रहा है, स्किन अनइवन हो गई है या स्किन पर डलनेस आ गई, ये सब को ये ख़त्म करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ये कि इस समर सीज़न में ना अगर आप इस टोनर को यूज़ करते रहते हैं, आपकी स्किन जो है वो तमाम प्रॉब्लम से जो है वो बची रहेगी। तो देर किस बात की है, बहुत ही आसान है इस टोनर को बनाना, और इसको जो अभी से इसको बना लें और यूज़ करना स्टार्ट करें, फिर मेरे साथ आपने इसके रिज़ल्ट भी जो है वो शेयर करने हैं इस टोनर के। और मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, आप बनाएं इस टोनर को यूज़ करें, फिर मेरे साथ आप इसके रिज़ल्ट शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।